हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही आसान भाषा में समझने वाले हैं मैनफोर्स टैबलेट के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अगर वो पहली बार मैनफोर्स टैबलेट को लेते हैं तो उनको 50 mg की लेनी चाहिए या फिर 100 mg की। आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं, साथ ही मैनफोर्स टैबलेट को लेने के बाद आपके शरीर में कितनी देर असर देखने को मिलता है, यह शरीर में आपके कैसे वर्क करती है, मेनली इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, मैनफोर्स टैबलेट किस प्राइस से आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, इसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है, इस टैबलेट को लेने के बाद आप के शरीर में ये कैसे वर्क करती है तथा इस टैबलेट को लेने के बाद आपके शरीर में ये कितनी देर इफ़ेक्ट करती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स और जो और कम्युनिटी के लोगों के लिए। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्राइस ऑफ मैनफोर्स टैबलेट, इसकी क्या प्राइस रहती है अगर आप इसे मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हो तो किस नाम से मिलती है और प्राइस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो मैनफोर्स जो 50 mg की टैबलेट होती है उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 297 रुपये, यानी कि 297 रुपीज़ इसकी प्राइस रहती है, जिसमें 9 टैबलेट आपको मिलती है। और मैनफोर्स की जो 100 mg की जो टैबलेट होती है इसकी जो प्राइस होती है वो होती है लगभग 255 रुपये और उसमें 4 टैबलेट आपको मिलती है। ठीक है, मैनफोर्स के नाम से मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर और मैनफोर्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। कंटेंट के बारे में देखें तो इन दोनों ही टैबलेट में सेम कंटेंट रहता है और कंटेंट जो होता है वो होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। आगे इसके यूजेस के बारे में देखें तो इस टैबलेट का यूज़ वीक स्टेमिना और काम उत्तेजना की कमी, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम नपुंसकता कहते हैं, उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और इस टैबलेट को लेने के बाद यह आपके शरीर में कैसे असर करती है तो उसके बारे में देखें। सो हमारी जो पेनिस में जो वेंस होती है जिसमें ब्लड फ्लो को ये इंक्रीज़ करवा देती है मैनफोर्स टैबलेट। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हो बिफ़ोर और आफ्टर। बिफ़ोर आपके पेनिस में जो वेंस होती है उसमें ब्लड फ्लो देख सकते हो और इस टैबलेट को लेने के बाद जो ब्लड फ्लो है वो आप देख सकते हो। आगे इसके डोज के बारे में देखेंगे सो मैनफोर्स की जो 50 mg की टैबलेट होती है वो डे यानी कि दिन में एक बार देनी होती है। टेक इट 30 मिनट बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि अपने फीमेल पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने से आधे घंटे पहले यानी कि 30 मिनट पहले इस टैबलेट को लेना होता है। इट्स इफेक्ट लास्ट अप टू 4 आवर्स, यानी कि इस टैबलेट को लेने के बाद 4 घंटे तक आपके शरीर में इस टैबलेट का असर रहता है। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारी मैनफोर्स की 100 mg की टैबलेट, जिसका यूज़ दिन में एक बार यानी कि इसे भी दिन में एक बार लेना होता है। टेक इट 30 मिनट्स आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि इसे भी किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने के 30 मिनट पहले यानी कि लगभग आधे घंटे पहले इस टैबलेट को लेना होता है। ठीक है, इट्स इफेक्ट लास्ट अप टू 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे तक इस शरीर में आपके ये इफेक्ट करती है और 4 घंटे तक इस टैबलेट का आपके शरीर में असर रहता है। नोट यहाँ पे देखने वाली बात, अगर आप पहली बार इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हो तो 50 mg की टैबलेट लेनी होती है आपको। अगर 50 mg की टैबलेट लेने के बाद भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप 100 mg की टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। देखो, कोई भी टैबलेट आप लेते हो अगर उसको क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक यूज़ करते हो तो उस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेच यानी कि सिर दर्द होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, साथ ही इंक्रीज बीपी यानी कि हाइपरटेंशन के शिकार आप हो सकते हो। ठीक है, सो गाइज, उम्मीद करता हूँ मैंने जो मैनफोर्स टैबलेट के बारे में जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।